गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. स्टैंडर्ड फोर्थ चैप्टर फोर एफ ए टू के अंदर हमारे दो ही चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर थ्री एंड चैप्टर फोर. चैप्टर थ्री हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसकी एक्सरसाइज मैंने आपने आपको भेज दी थी. आई होप आपने राइट कर लिया होगा. चैप्टर फोर हम स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट चैप्टर फोर एफ ए टू. एफ ए टू की एग्जाम दिसंबर के मास के अंदर आने वाली है, ठीक है. उसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे, ठीक है. रिवीजन के अंदर मैं आपको अभी से बता दूं, चैप्टर फोर कंप्लीट होने के बाद रिवीजन के अंदर शायद हम लाइव क्लास लेंगे नहीं. मैं आपको वीडियो भेजूंगा, वो आपको प्रिपरेशन के तौर पर रेडी करना होगा. चैप्टर फोर के अंदर फॉर्मेटिंग टैक्स इन वर्ड 2013. You have already learned how to edit text in Word 2013. In this chapter, you will learn how to format text. आपको कैसे format text करना है, text कैसे adjust करना है, वो सारी चीजें हमने chapter 3 के अंदर already देख ली थी. Formatting भी हमने देख लिया था. Formatting is the process of changing the general arrangement and appearance of text. Text का जो view होता है, किस तरह से दिखेगा, वो सारी चीजें हमने already किस तरह से चेंज की जाती है वो फॉर्मेटिंग के अंदर हमने देखा था. इंपॉर्टेंट द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट बाय यूजिंग वेरियस फॉन्ट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल. फॉन्ट की स्टाइल चेंज करना, उसका वेरिएशन चेंज करना, उसका कलर चेंज करना, उसकी साइज चेंज करना, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख ली है. अ फॉन्ट इज अ सेट ऑफ लेटर, नंबर, सिंबल ऑफ अ गिवन साइज एंड डिजाइन दैट मे बी डिस्प्लेड और प्रिंटेड. फॉन्ट के अंदर फॉन्ट का लेटर एबीसीडी से लेकर एक्स वाई जेड, नंबर्स, सिंबल एंड आएगा है ना बॉक्स आएगा, वो सारी चीजें वहां पर आपको किस तरह से अप्लाई करनी है वो सिंबल के अंदर आएगा. वो डिस्प्ले होगा या तो फिर प्रिंट होगा. द सेटिंग ऑफ दैट स्टैंडर्ड और प्री डिफाइंड इन अ सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड द डिफॉल्ट सेटिंग. फॉर्मेटिंग हेल्प यू टू मेक चेंज टू द डिफॉल्ट साइज सेटिंग. इट ऑल्सो हेल्प यू in highlights important text in the documents and make the text look more attractive. Word के अंदर attractive मतलब कि जो reader है पढ़ने के लिए बैठा है उसको attract करे, है ना, पढ़ने में दिलचस्पी आए, उसकी वजह से अलग अलग तरीके से उसकी format डाली जाती है. सबसे पहले character formatting. Character formatting means display character in a certain manner. Character formatting consists of setting various text properties, bold, italic, underline, font type, font size, font color and more. यहाँ पर आप ऊपर की ओर देखोगे, ऑलरेडी मैं होम मेनू के अंदर हूँ. होम मेनू के अंदर यहाँ पर फॉन्ट मेनू है. फॉन्ट के अंदर यहाँ पर आप देखो, आप बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, फॉन्ट टाइप, ये फॉन्ट टाइप है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है. फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज यहाँ पर भी है. फॉन्ट कलर एंड मोर, यहाँ पर फॉन्ट का कलर आपको मिलेगा, ठीक है. यहाँ से ये है टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर और ये है फॉन्ट का कलर. तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेंगे जो आप अप्लाई कर सकते हो. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग द रिबन. रिबन मतलब ये जो प्रॉपर्टी पूरी दिख रही है ना, मैं माउस जहाँ घुमा रहा हूँ, ये पूरी प्रॉपर्टी को रिबन कहा जाता है. रिबन के ऊपर कई सारे ऑप्शन आएंगे. सारे ऑप्शन अभी मैंने आपको लिखा है वही है, फॉन्ट है ना, स्ट्रिक थ्रू आउट, अंडरलाइन, ठीक है. तो यहाँ पर वही चीज है, देखो, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्रिक थ्रू आउट, एक्स के नीचे टू आएगा, यानी कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा, ठीक है. सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर भी होगा, देखो सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है. ये रहा सब्सक्रिप्ट, ये वाला, ठीक है. ये है मैंने लिखा अभी चेंज केस, वो हम देखेंगे क्या है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो यहाँ से सारी चीजें आप अप्लाई करके देख सकते हो. ड्रॉप डाउन में फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर है ना, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ठीक है. यही सारी चीजें हैं, मैं ऑलरेडी आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, देख लो एक दफा, ठीक है. न्यू टेक्स्ट के अंदर आप अगर क्रिएट टेक्स्ट करोगे, यहाँ पर कुछ लिखोगे, यहाँ पर हमें कोई भी चेंजेस करना हो, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा. मैं बीच वाला पैराग्राफ लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन क्लिक, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, मुझे कुछ इस तरह से चाहिए. तो यहाँ बाहर देखना टेक्स्ट चेंज होकर आ ही जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है. मुझे कोई और टेक्स्ट लेना है तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड अप्लाई करना हो, इटालिक, कौ वाला,
अंडरलाइन तो नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है, स्ट्रिक थ्रू आउट तो बीच में भी लाइन आएगी, ठीक है। वैसे यहाँ पर आपको अगर अप्लाई करना हो कि मुझे सेकंड स्टैंडर्ड लिखना है या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड लिखना है, तो फर्स्ट लिखने के बाद स्पेस दूंगा, अपने आप ऊपर चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर नहीं जा रहा है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ H2O, ठीक है, H2O के अंदर 2 नीचे आएगा तो मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा, नीचे ले जाना हो तो यहाँ पर सिलेक्ट करने करना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करोगे आप तो आपका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा इस तरह से। अगर आप क्लिक कर रहे हो यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर तो वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वैसे ही आगे आ रहा है जो वो है यहाँ पर सेंटेंस केस। सेंटेंस मतलब यू कैन इजिली चेंज, वहां पर वाई ऑनली कैपिटल है। जब तक यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है सिर्फ एक ही वर्ड कैपिटल के अंदर आएगा, लेकिन आप लोअर केस के ऊपर क्लिक करोगे तो सारे वर्ड्स कैपिटल लोअर लोअर के अंदर चले जाएंगे, यानी कि सेकंड एबीसीडी। वैसे ही यहाँ पर आप अपर केस के ऊपर क्लिक करोगे तो सारी चीजें कैपिटल में आ जाएगी। फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड, ईच वर्ड मतलब हर शब्द का पहला लेटर, यू का वाई कैपिटल, कैन का सी कैपिटल, इजिली का ई कैपिटल, सारी चीजें कैपिटल में होकर आ जाएगी। उससे उल्टा कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल, उससे उल्टा आएगा टॉल केस, पहला स्मॉल उसके सिवा सब कैपिटल, तो ये काम में आने वाला नहीं है। ज्यादातर हमें जो काम में आएगा वो है सेंटेंस केस। उसके बाद यहाँ पर है टेक्स्ट हाइलाइटिंग। टेक्स्ट हाइलाइटिंग के अंदर डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है हमें, डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो कलर अप्लाई हो जाएगा, कलर आप सिलेक्ट कर पाओगे नहीं, यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट करो तो वो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड के अंदर कलर अप्लाई करके दे देगा, ठीक है। रिमूव करना है आपको कलर तो यहाँ पर आएगा नो कलर, तो वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन हर बात क्या करना पड़ेगा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट किए बगैर आप वर्क कर पाओगे नहीं। वैसे ही यहाँ पर है फॉन्ट कलर, डायरेक्ट क्लिक करोगे अप्लाई नहीं होगा, डाउन एरो पे क्लिक करो जो भी कलर आपको अप्लाई करना है वो कलर आप सिलेक्ट करोगे तो वैसा कलर वहां पर आपका अप्लाई होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नो कलर नहीं आएगा, यहाँ पर नो कलर मतलब बेसिक कलर ऑटोमेटिक कलर ब्लैक, ठीक है। तो यही सारी चीजें ऊपर थी, यहाँ पर आप होम मेनू के अंदर जाकर ये सारी चीजें चेंज कर सकते हो। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, इफ यू नीड मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शन यू कैन यूज द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के ऊपर क्लिक करके आप मोर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक द होम टैब, इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, लॉन्चर, लॉन्चर मतलब यहाँ पर ये रहा लॉन्चर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे आप तो कुछ इस तरह से विंडो ओपन होकर आ जाएगी, देखो, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट मेनू के अंदर लॉन्चर जो है, लॉन्चर ये रहा, ये वाला छोटा सा ऑप्शन क्लिक करूंगा तो सारा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखाई देगी, फॉन्ट स्टाइल क्या है, इटालिक, बोल्ड, अंडरलाइन, ऑप्शन आपको यहाँ प्रीव्यू आपको यहाँ पर मिलेगा, साइज कितनी रखनी है, छोटी रखनी है, बड़ी रखनी है, स्ट्रिक थ्रू आउट हमने ऑलरेडी बाहर देखा था, ये रहा देखो स्ट्रिक थ्रू आउट एंड डबल स्ट्रिक थ्रू आउट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हमने यहाँ पर देखा ही था ऑलरेडी, ठीक है। तो वही ऑप्शन अंदर की ओर दोबारा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ज्यादा हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है, लेकिन अगर आपको मोर ऑप्शन के अंदर जाना हो तो होम मेनू के भीतर फॉन्ट के अंदर यहाँ पर फॉन्ट लॉन्चर आएगा, वहां से आप एक्स्ट्रा ऑप्शन के अंदर जा सकते हो। तो वही सारी चीजें यहाँ पर बुक के अंदर भी आपको अवेलेबल मिल रही है। टेक्स्ट इफेक्ट इन द वर्ड 2013 में थोड़ा सा इफेक्ट अलग आएगा, यहाँ पर थोड़ा अलग आएगा। देर इज अ न्यू बटन कॉल टेक्स्ट एडिटर एंड टाइपोलॉजी इन द फॉन्ट ग्रुप, यूजिंग द बटन यू कैन अप्लाई डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट टू एनी टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट्स। टेक्स्ट के अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐसा इफेक्ट डाल सकते हो। एक्चुअली यहाँ पर हमें जो 2007 है उसके अंदर यहाँ पर इफेक्ट नहीं मिलेगी, लेकिन आपको अगर अप्लाई करना हो, ठीक है, तो आप इंसर्ट मेनू के अंदर जाकर सबसे पहले वर्ड आर्ट से आप कोई भी अप्लाई डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। वर्ड आर्ट से भी हम अप्लाई कर सकते हैं 2007 के अंदर। 2013 जो आया है उसके अंदर आपको अलग से ऑप्शन मिलेगा, जहां आपको फॉन्ट की स्टाइल डालनी हो तो फॉन्ट की स्टाइल अलग से आप अप्लाई कर सकते हो।
हाइलाइटिंग टैक्स, टैक्स हाइलाइटिंग ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया, यहाँ से टैक्स हाइलाइटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी हाईलाइट करना है वो, उसके बाद टैक्स हाईलाइटिंग ऑप्शन है, डाउन एरो पे क्लिक करो, जो भी कलर सिलेक्ट करना हो आप सिलेक्ट करके अप्लाई करोगे, टैक्स हाईलाइटिंग अप्लाई हो जाएगा। वही चीज आपको यहाँ पर मिल रही है टैक्स हाईलाइटिंग के अंदर, ये वाला, ठीक है। रिमूव टैक्स हाईलाइटिंग, अगर आपने हाईलाइट अप्लाई किया हुआ है, मैंने अभी दिखाया था आपको कि आपने क्लिक किया, टैक्स हाईलाइट किया हुआ है, बैकग्राउंड में कलर डाला है, रिमूव करना है, तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद टैक्स हाईलाइटिंग के अंदर दोबारा जाओ और नीचे दिया हुआ है नो कलर, क्लिक करोगे तो टैक्स हाईलाइटिंग के अंदर से कलर निकल जाएगा, ठीक है। नो कलर यहाँ पर भी है, देखो, तो वही चीज है जो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, वही स्टेप यहाँ पर आपको दिए गए है, ठीक है। बुक अवेलेबल होगी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब क्या आएगा, तो कि अलाइन मतलब अलाइन इज द मैनर इन विच टैक्स इज प्लेस बिटवीन द मार्जिन ऑफ पेज, यानी पेज में लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर साइड, अलाइनमेंट टैक्स का कहाँ आएगा, टैक्स कहाँ आएगी, वो है अलाइनमेंट। नॉर्मली तीन तरह के अलाइनमेंट आते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर कुछ चीज करते हैं, यहाँ पर मेरा नाम भी लिख लेता हूँ या तो फिर सेंड मेरिस लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ दोनों पैराग्राफ को, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। पैराग्राफ मेनू के अंदर सबसे पहले यहां पर जो मिल रहा है अलाइन टैक्स लेफ्ट, ऑलरेडी लेफ्ट साइड है, यहां पर नीचे देखना, यहां पर लिखा हुआ आएगा, उसके शॉर्टकट की कंट्रोल एल, फिर उसके बाद सेंटर अप्लाई करना हो तो क्लिक करो, यहां पर पूरा फॉन्ट जो है सेंटर में चला जाएगा, सेंट मेरिस बीच में आ गया, पेज के परफेक्ट बीच में आ गया। सेंटर की शॉर्टकट की आएगी वो आएगा कंट्रोल ई, अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना, कंट्रोल ई शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट। फिर वैसा ही आएगा अलाइन टैक्स राइट, राइट के लिए आएगा कंट्रोल प्लस आर, आप क्लिक करोगे पीछे से लिखा हुआ आएगा। नॉर्मली तीन तरह के आते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर, ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड के अंदर जनरली हम यूज करते हैं, लेफ्ट साइड के अंदर अगर आप देखो तो यहां पर देखो सीधी लाइन आ रही है, ये वाली लाइन एकदम सीधी आ रही है, लेकिन पीछे अगर आप देखो तो zigzag आ रहा है। मैं ज्यादा फॉन्ट सिलेक्ट करूँ तो आपको ज्यादा इजिली पता चलेगा, देखो यहाँ पर भी zigzag आ रहा है, यहाँ पर भी zigzag आ रहा है, तो ये zigzag ना आए उसके लिए हम अप्लाई करते हैं justify। justify मतलब गुजराती भाषा में क्या है, न्याय को, है ना, चीफ जस्टिस जिसे कहते हैं ना, है ना, यानी न्याय देने वाला, है ना। तो justify के ऊपर क्लिक करोगे तो वो टैक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर खींच कर परफेक्ट सीधी स्ट्रेट लाइन आपको अप्लाई करके देगा। तो जनरली सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं वो है justify, है ना। नौ हम अप्लाई नहीं करते हैं अलाइन टैक्स लेफ्ट, लेफ्ट अप्लाई नहीं किया जाता है, जस्टिफाई ही यूज किया जाता है, ठीक है। तीनों चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाई गई है, लेफ्ट डालोगे तो यहाँ पर आएगा, सेंटर में बीच में आएगा, राइट में यहाँ पर आएगा, जस्टिफाई में कुछ इस तरह से आपको अप्लाई करके दिखेगा, ठीक है। अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग, अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग मतलब, तो बॉर्डर एंड शेडिंग आपके लिए आपको जो मिलेगा ये रहा, देखो बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, ठीक है, शेडिंग है उसके साइड में ही है पैराग्राफ के ऑप्शन के अंदर शेडिंग, ठीक है। ऑप्शन कहां पर मिलेगा तो याद रखना पैराग्राफ मेनू के अंदर जाना है, तो सबसे पहले कौन सा मेनू, होम मेनू, होम मेनू के अंदर, यहाँ पैराग्राफ मेनू के अंदर आपको यहाँ पर बॉर्डर एंड हाईलाइट मेनू दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा। मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने इतना पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, मैं यहाँ पर जाकर बॉटम बॉर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, तो जितना सिलेक्ट है उसके नीचे लाइन आएगी ऐसे, फिर अगर अप्लाई करूंगा टॉप तो जितना सिलेक्ट है उसके ऊपर लाइन आएगी। मुझे फुल बॉर्डर चाहिए यानी कि ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा तो पहला पैराग्राफ उसके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, सेकेंड पैराग्राफ या तो फिर लाइन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, थर्ड पैराग्राफ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, चारों ओर ऑल बॉर्डर आपको मिल जाएगी, ठीक है। बॉर्डर निकालनी हो आपको तो नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो हट जाएगी, लेकिन मुझे कैसे बॉर्डर चाहिए, तो मुझे दो पैराग्राफ के बीच में लाइन नहीं चाहिए, ये वाली लाइन नहीं चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नो बॉर्डर दूंगा। नो बॉर्डर देने के बाद यहां पर एक और ऑप्शन है आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर आप सिलेक्ट करोगे तो आपने जो सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसकी बाहर की बॉर्डर सिलेक्ट होकर आएगी, ठीक है। डिलीट करना हो तो वही ऑप्शन है, आपको सिंपल सिलेक्ट करना पड़ेगा,
यहां पर जाना पड़ेगा, यहां पर जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा नो बॉर्डर, ठीक है। अगर बॉर्डर आपने अप्लाई किया हुआ है, बॉर्डर अप्लाई करने के बाद आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, तो हाईलाइटिंग भी आएगा। अगर मैं यहां पर क्लिक कर रखा हूं और कलर अप्लाई कर रहा हूं, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि पूरा सेल के अंदर यानी बॉक्स के अंदर कलर अप्लाई होकर आएगा पैराग्राफ के अंदर। तो यहां पर कोई भी कलर मैं सिलेक्ट करूंगा कुछ इस तरह से, वो कलर डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। एक से ज्यादा सिलेक्ट करना हो तो एक से ज्यादा सिलेक्ट करके आप यहां पर कलर डायरेक्ट चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से, ओके। वहां पर भी कलर अप्लाई ना करना हो तो ऑप्शन है नो कलर, क्लिक करो कलर निकल जाएगा, ठीक है। तो वही सारी चीजें आपको यहां पर मिल रही है। एक दो पॉइंट्स बाकी है हमारे, चला लेते हैं आज के टॉपिक के अंदर, ठीक है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा बहुत चैप्टर के अंदर बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। टिल देन हैव अ गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।